हरदा जिले में पंचायत चुनाव होने के बाद अब चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं। हरदा जिले की ग्राम पंचायत हंडिया के सरपंच लखनलाल भिलाला ने बकायदा एक स्टाम्प लिखकर एक युवक को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। इसका कारण उन्होंने खुद का पढ़ा लिखा ना होना बताया है। साथ ही परिवार के सदस्यों के भी पढ़े लिखे नहीं होने की बात लिखी है। सरपंच लखनलाल भिलाला ने कहा कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए प्रतिनिधि नियुक्त किया है जो सारी चीजें मुझे पढ़कर बता सके, हालांकि हस्ताक्षर खुद ही करूंगा। सरपंच लखनलाल ने 2 अगस्त को पदभार ग्रहण करने के दौरान सचिव से अपनी नोटरी कराई, स्टाम्प सौंप कर सिद्धांत तिवारी को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। मामला कहीं सर, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ बिल्कुल भी भाई, और ना मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं, तो मैं उनको साथ में रखना पड़ेगा, कई बार गलत दस्तखत करवा लिया तो मैं उठे जाना पड़ेगा, तो ऐसे उसको साथ में रखना ही पड़ेगा मेरे को। पर ये तो नियम विरुद्ध है, ऐसा आप प्रतिनिधि किसी को स्टाम्प पर लिख कर बना नहीं सकते। पर मेरे को जरूरी है सर, मेरे को बनाना, मेरे तो पढ़ा लिखा नहीं है, कई बार गलत दस्तखत करवा लिया जेल जाना पड़ेगा मेरे को साथ में आपको रखना ही पड़ेगा ना सर। मेरे बच्चे नहीं पढ़े तो मेरा साथ ही हो, मेरा बचपन में मैंने उसको खिलाया वो दिन में, मेरे को भरोसा उसने मेरा लिए ट्रैक्टर उठवा के दिया उनने मेरे को, तो मेरा उसका नाम मेरा नाम से उनका भरोसा मेरा उसको पूरा। ये किसी वही जब इस पर जनपद सीईओ से बात की गई तो उन्होंने इससे अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि जब मेरे संज्ञान में ये पूरा मामला आएगा तो मैं इस मामले पर कार्रवाई करूंगा। ये मेरे संज्ञान में आया है और ये मामला जो है सरपंच द्वारा प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है वो विधि सम्मत नहीं है और पंचायत राज एक्ट अधिनियम में भी प्रावधानित नहीं है, और उनको ये जो नियुक्त किया गया है प्रतिनिधि ये बिल्कुल ही अनलीगल है। तो क्या ऐसे स्टाम्प पर लिखकर अधिकारों का जो है निर्वहन दूसरा व्यक्ति कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है, अधिकारियों का निर्वहन स्वयं को करना पड़ेगा, क्योंकि जो रोस्टर सिस्टम में जो आरक्षण पद्धति जो अपनाई गई है पंचायत राज अधिनियम के तहत, तो निचले वर्ग ले के उनको ऊपर लाने के लिए या उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए यह आरक्षण रोस्टर का नियम का पालन किया जाता है। अब इसमें कोई कार्रवाई होगी क्या सर आगे? इसमें कार्रवाई हमारे पास में जैसे ही प्रकरण आएगा वैसे ही हम वरिष्ठ कर लेंगे इसको। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इस तरह का पहला मामला सामने आया है जहां पर सरपंच का चुनाव जीतने के बाद कोई प्रतिनिधि नियुक्त किया गया हो। फिलहाल ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं है, जनता जिसे अपना प्रतिनिधि चुने उसे ही कार्य करना चाहिए, ना ही किसी और को। हरदा से लोमेश गौड़ की रिपोर्ट, एमपी तक।